तो मीनू एक लड़की जो थी उसके पास रुपीज सिक्सटी पॉइंट फाइव यानी रुपी सिक्सटी एंड फिफ्टी पैसा उसके पास थे तो उसने क्या किया बाइज एच जियो मेट्रिक बॉक्स वर्थ रुपीज़ थर्टी टू उसने एक जियो बॉक्स खरीदा है जिसकी कीमत रुपीज़ थर्टी टू पॉइंट सेवन फाइव था हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विथ तो अब उसके पास कितने पैसे बच गए तो हम इसका सोलूशन लिखेंगे सबसे पहली बात टोटल मनी उसके पास कितना था टोटल मोनी टू उसके पास कितने टोटल मोनी थे सिक्स जीरो रुपीज सिक्सटी पॉइंट फाइव जीरो तो कॉस्ट ऑफ जियोमेट्री बॉक्स क्या था कॉस्ट ऑफ ए बॉक्स कॉस्ट ऑफ जियोमेट्री बॉक्स क्या था रुपीज़ थर्टी टू पॉइंट सेवन फाइव तो हमें क्या निकालना है हाउ दे आर फोर मनी लेफ्ट दैट इज इक्वल टू वो किसके बराबर आएगा सिक्सटी पॉइंट फाइव जीरो यानी रुपीज सिक्सटी पॉइंट फाइव जीरो माइनस रुपीज थर्टी टू पॉइंट सेवन फाइव तो यहाँ पे हमें इसको सब्ट्रैक्शन करना है ये इससे बारो करके टेन बन जाएगा टेन माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव यहाँ पे फोर है ये इससे बारो कर सकते हैं लेकिन इसके पास खुद नहीं है अब इससे बार को ये टेन बन जाएगा जब ये फोर इससे टेन से एक मंग गया तो यहाँ पे सिर्फ नाइन रहेगा तो ये बन गया फोर्टीन फोर्टीन माइनस सेवन दैट इक्वल टू सेवन नाइन माइनस टू दैट इक्वल टू सेवन फाइव माइनस थ्री दैट इक्वल टू टू कितने पैसे इसके पास रह गए हैं ट्वेंटी सेवन रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसे दे फोर मोनी Us, तो उसके पास कितने पैसे बच गए? पैसा। 75, 75, तो ठीक है इसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है मैं सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ हंड्रेड फिफ्टीन एंड सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो हमें क्या करना है सबसे पहला चीज हमें करना है हमें वन हंड्रेड फिफ्टीन को माइनस करना है सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो और उसके बाद जो वहां पे डिफरेंस निकलेगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे सेवेंटी से तो इसका सोल्यूशन आएगा यहां पे पहला स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब्ट्रैक्ट द डिफ्रेंसट्रैक्ट वन हंड्रेड रुपीज वन हंड्रेड फिफ्टीन एंड रुपीज सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो ठीक है तो हम क्या करेंगे सप्ट्रैक्ट करेंगे इसको रुपीज वन हंड्रेड फिफ्टीन को हम माइनस करेंगे रुपीज सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो इसके यहाँ पे पैसा कुछ नहीं है तो जीरो जीरो लगाएंगे वन हंड्रेड फिफ्टीन तो अब इसको हम सप्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो माइनस जीरो दैट्स इक्वल टू जीरो जीरो में से फाइव नहीं निकाल सकते इसलिए ये इससे बारो करके टेन बन जाएगा टेन माइनस फाइव इक्वल टू फाइव पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा यहाँ पे आप फोर ही रहेगा ये इससे बारो करके फोर्टीन बन जाएगा फोर्टीन माइनस फाइव दट इक्वल टू नाइन तो यहाँ पे क्या रहेगा जीरो तो ये इससे बारो करके वन टेन माइन सॉरी हाँ ये इससे बारो करके टेन बन जाएगा टेन माइनस सिक्स दैट इक्वल टू फोर यहां पे जीरो रह गया आप ठीक है तो यहां पे क्या निकला हमें फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो तो डिफरेंस क्या निकला देर फोर डिफरेंस इज इक्वल टू रुपीज फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो अब हमें यही डिफरेंस हमें किसको सप्रेक्ट करनी है 70.00 पॉइंट जीरो जीरो अब क्या करना है अब हमें यहां पे लिखना है सैंपल सा मैं लिखूंगा रुपीज सेवेंटी पॉइंट जीरो जीरो माइनस रुपीज फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो ठीक है बच्चों तो इसको हम सब्ट्रैक्ट क्या करें हम इसको सिंपली यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें उसका आंसर निकलेगा रुपीज सेवेंटी पॉइंट जीरो जीरो माइनस रुपीज़ फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो माइनस जीरो दैट इक्वल टू जीरो यहां पे ये टेन बन जाएगा टेन माइनस फाइव दैट इक्वल टू फाइव पॉइंट यहाँ पे नाइन है नाइन माइनस नाइन दैट इक्वल टू जीरो यहाँ पे सिक्स ही रहेगा सिक्स माइनस फोर दैट इक्वल टू टू तो यहाँ पे क्या आंसर निकला रुपीज़ ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो यहाँ रुपीज़ ट्वेंटी वहाँ पे सेवेंटी जब हमने क्या किया पहला पहले हमने वन हंड्रेड फिफ्टीन और सिक्सटी फाइव को 65.50 को सब्ट्रैक्ट किया है उसको सेपरेट करने के बाद इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अमाउंट्स को यहाँ पे 49.50 निकला है अब हमें डिफरेंस जो निकला है वो वो हमें 70.00 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी 70.00 पॉइंट जीरो जीरो माइनस रुपीज फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो को सब्ट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे हमें निकला है ट्वेंटी पॉइंट फाइव ट्वेंटी पॉइंट फाइव तो ये हमें यहाँ पे तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने किस तरह किया है जीरो माइनस जीरो दैट इक्वल टू जीरो जीरो इससे बारो करेगा लेकिन इसके पास कुछ नहीं इसलिए इसने इससे बारो किया ये टेन बन गया अब ये टेन जो है इससे एक देगा ये टेन बन गया टेन माइनस फाइव दैट इक्वल टू फाइव जब इसने इसको एक दिया तो यहां पे इसके पास खुद नाइन ही रह गई है नाइन माइनस नाइन दैट इक्वल टू जीरो यहाँ पे इसने इसको बारो दिया एक बारो किया था यहां पे तो यहां पे सिक्स है सिक्स माइनस फोर दैट इक्वल टू टू अब क्वेश्चन नंबर एट जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है एड रुपीज सिक्सटी फोर जीरो को एड करना है एड करने के बाद जो उनका सम निकलेगा वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो इस क्वेश्चन का सोलूशन पहला है एड तो हमें पहले एड करना है किसको रुपीज़ सिक्सटी फोर पॉइंट टू फाइव एंड रुपीज़ थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो ठीक है तो इसको एड करेंगे सिक्सटी फोर पॉइंट टू फाइव रुपीज़ या ये प्लस रुपीज़ थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो 5 माई 5 प्लस 0 दैट इक्वल टू 5 2 प्लस 5 दैट इक्वल टू 7 पॉइंट अपने सेवन प्लस फोर अलेवन वन 1 कैरी आएगा 9 ओ कैरी वाला 1 हो गया है टेन तो ये कितना निकला है रुपीज़ वन हन्डरड अब क्या करना है हमें यह हमारे पास क्या निकला है इन दो नंबर्स का सम निकला है रुपीज़ 101.75 अब हमें क्या करना है नाउ अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है क्या करना है रुपीज वन हंड्रेड वन पॉइंट सेवन फाइव फ्रॉम रुपीज वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फ्रॉम रुपीज वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इसका मतलब है हमें पहले यहां पे लिखना है रुपीज वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो जीरो इसको हमें सब्रेक्ट करना है रुपीज वन हंड्रेड वन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है इस तरीके से हमें इसको सब्रैक्ट करना है तो ये इससे बारो करता करेगा लेकिन इसके पास कुछ नहीं अब ये इससे बारो करेगा यहाँ पे फोर रह गया ये इससे बारो घर के टेन बन गए हैं लेकिन इससे ये भी एक मांग रहा है इसलिए ये नाइन रह गए हैं ये टेन बन गया टेन माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव नाइन माइनस सेवन दैट इक्वल टू टू पॉइंट अपनी जगह पे रखेंगे फोर माइनस वन दैट इज इक्वल टू थ्री यहां पे क्या है टू माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास क्या निकला है रुपीज ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव ये हमारे पास यहां पे आंसर है लास्ट पे आंसर है तो यहां पे भी हमने ऐसा ही किया है हमने क्या हमें क्या करना था पहले हमें ऐड करना था इन दो अमाउंट्स को उसके बाद जो वहाँ पे सम निकलेगा वो हमें वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को सब्राइट करना आई होप कि आपको समझ में आएगा जो मैंने आज, आज आपको पढ़ाया इसके साथ ही हमारा जो मनी का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है और यू थ्री का सेलेबस भी हमारा एंड हो गया है आज से आप आज से ही तैयारी करो हर एक क्वेश्चन को रिपीट करो फ्रैक्शन में भी और मनी में भी क्योंकि ट्वेंटी फिफ्थ से आपका जो यूनिट uh, थ्री का टेस्ट है वो शुरू होने वाला है इसमें आपके दो यही दो चैप्टर्स हैं और ये अपनी कॉपी पे जो मैं आज आज लिखा है ये अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना और इस उसकी पिक्स मुझे सेंड करना अला हाफ़ एंड टेक केयर